नमस्कार, गीतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अखरोट और नारियल के रोल्स। अखरोट और नारियल के रोल्स बनाने के लिए मैंने आधा आधा कप सभी चीज़ें ली है। आधा कप अखरोट ली है, आधा कप नारियल का बुरा लिया है और आधा ही कप मैंने गुड़ लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। ये बहुत सिंपल तरीके से बन करके तैयार होता है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अखरोट को पीस करके तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने छोटा मिक्सर जार ले लिया है। उसमें अखरोट को डाल दिया है और इसे पीस लेते हैं दरदरा। अखरोट को मैंने पीस लिया है, कुछ इस तरह से पीस करके तैयार हुआ है। इसी में मैं गुड़ डाल देती हूँ। नारियल का पूरा भी डाल देती हूँ। और एक चम्मच इसमें मैं घी डाल देती हूँ। और इसे एक बार और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूंगी। कुछ इस तरह से मिक्सचर पीस करके तैयार हुआ है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। रोल्स बनाने के लिए मिश्रण को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसे एक बार और अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देंगे। पूरे मिश्रण को मैंने एक बार अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें से रोल्स बनाएंगे, छोटे छोटे छोटा सा पोर्शन लेंगे। इस तरीके से अब इस तैयार रोल को मैं नारियल के बुरे में थोड़ा सा कोट कर दूंगी। और एक प्लेट में रख दी जाऊंगी कुछ इस तरीके से। इसी प्रकार से सभी बनाकर तैयार कर लूंगी। मैंने अखरोट और नारियल के सभी रोल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। ये बनकर के तैयार है। अखरोट और नारियल के रोल्स खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, क्योंकि ना ही इसमें दूध डाला है ना ही मावा डाला है। इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर कर के रख लीजिए, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। पौष्टिक गुणों से भरपूर अखरोट नारियल के रोल्स आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।